नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूँ साक्षी आपके साथ। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। खरगोन जिले में भगोरिया पर्व की धूम, कलेक्टर गोपाल चंद डार भी पहुंचे। भगोरिया में कलेक्टर ने कई युवक युवतियों से उनके गहने, वेशभूषा, बांसुरी आदि के संबंध में की चर्चा। कृषि उपज मंडी बड़नगर के पास एक ट्रॉला अनियंत्रित होकर रोड से लगी दुकानों में घुसकर खाया पलटी। दुकानें बंद थी, नहीं तो हो सकता था कोई बड़ा हादसा। राजगढ़ कलेक्टर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हुई अवैध मादक पदार्थ व कच्ची शराब बिक्री करने वालों पर कार्रवाई। 80,000 किलो अवैध महुआ लादा जब्त कर किया नष्ट। खरगोन जिले में इन दिनों भगोरिया पर्व अपने शबाब पर है। पिछले एक सप्ताह से प्रारंभ हुए भगोरिया पर्व में आदिवासी संस्कृति को देखने कई वर्गों के लोग भी पहुंच रहे हैं। कलेक्टर गोपाल चंद्र डार धूलकोट में आयोजित भगोरिया में पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी संस्कृति को जानने का प्रयास भी किया। कलेक्टर ने कई युवक युवतियों से उनके गहने, वेशभूषा, बांसुरी आदि के संबंध में चर्चा की। इस दौरान धूलकोट में मतदाता जागरूकता अभियान के लिए लगाए गए स्टॉल में कलेक्टर ने कई मतदाताओं को मतदान कैसे करना है और ईवीएम व वीवीपैट के बारे में भी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने 19 मई को होने वाले मतदान दिवस के दिन मतदान करने का भी आह्वान किया। खरगोन से सलाम अंसारी की रिपोर्ट। कृषि उपज मंडी बड़नगर के पास एक ट्रॉला अनियंत्रित होकर रोड से लगी दुकानों में घुसकर पलटी खा गया। गनीमत रही कि सुबह के समय दुकानें बंद थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। अंधा मोड़ होने के कारण यहां पूर्व में कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आज भी करीब 4 से 5 पक्की दुकानों को तोड़ते हुए ट्रॉला दुकानों में जा घुसा। रिहायशी इलाका होने के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। बड़नगर से विजय निमा की रिपोर्ट। राजगढ़ लोकसभा निर्वाचन के दौरान जिले में व्यापक स्तर पर जिला कलेक्टर सुश्री निधि निवेदिता और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थ व कच्ची शराब बिक्री, निर्माण अवैध शराब बिक्री, परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज जिले में अवैध कच्ची शराब निर्माण के गढ़ कटारिया खेड़ी में बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें जिला आबकारी विभाग सहित राजस्व व पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए करीब 80,000 किलो अवैध महुआ लादान जब्त किया है। इसकी कुल कीमत करीब 34 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने जब्त किए महुए और लदान को मौके पर ही नष्ट कर दिया। यहां से टीम ने 1 लाख रुपए की 1,000 लीटर अवैध शराब भी जब्त की है। गौरतलब है कि राजगढ़ जिले में करीब 20 गांव ऐसे हैं जहां एक समाज विशेष के द्वारा कच्ची हाथ भट्टी से शराब बनाई जाती है और जिले के गुलखेड़ी ग्राम में खुले बाजार कीमत में कम से कम ऊंचे ब्रांड की शराब की बिक्री होती है। गत विधानसभा चुनाव के पूर्व भी इसी प्रकार बड़े स्तर पर गुलखेड़ी, कटारिया खेड़ी, नई दिल्ली, बेरसिया के डेरों में बड़ी कार्रवाई की गई थी। और कल भी क्योंकि फ्राइडे था तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों जगह से चेकिंग पॉइंट लगाई थी, कुछ सूचनाएं थी, कुछ लोगों को हमने पकड़ा भी है, कुछ केसेस भी बनाए। उसके बाद आज सुबह कलेक्टर क्वार्टर के निर्देश पर फैसला लिया गया था। हमने वहाँ पर रेड करी, करीबन हमें 5-6 अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री मिली, जिसमें कई हज़ार किलो लहान मिला है, कई ड्रम कच्ची शराब बनी हुई मिली है, काफ़ी मात्रा में देसी शराब और अंग्रेजी शराब भी मिली है। वर्तमान में आचार संहिता भी लागू है और इस हिसाब से जो 144 के अंतर्गत भी चीज़ें लागू हैं और काफ़ी समय से ही सूचनाएं मिल रही थी और इस कि यहाँ पर अवैध रूप से जो लोग शराब बनाते हैं, बेचते हैं, तो इसको लेकर के आज एक आकस्मिक जो रेड है एक तरीके से वो कंडक्ट की गई और यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी क्वांटिटी में लहान और जो ट्रांसपेंट कच्ची शराब है वो मिली है। उस पर की कार्रवाई जो है वो आपका इसके साथ आगे। राजगढ़ से पुरुषोत्तम शर्मा की रिपोर्ट। शिवानंद आश्रम में रहने वाले नक्सल पीड़ित बच्चों के लिए इस बार खाकी दोहरी खुशियां लेकर आई। पिछले सालों में इन्हें दूसरे बच्चों की होली खेलकर संतुष्ट करना पड़ता था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। ये बच्चे होली के दौरान जब दूसरे बच्चों को रंग और गुलाल से खेलते हुए देखते थे तो उन्हें इस बात का मलाल रहेगा कि इनके पास ना तो पिचकारी है और ना ही रंग। बस्तर पुलिस को जब इन नक्सल पीड़ित बच्चों के बारे में जानकारी लगी तो उन्होंने इनकी होली यादगार बनाने का फैसला लिया।
पुलिस के जवानों ने खुद शिवानंद आश्रम जाकर वहां रहने वाले बच्चों को रंग गुलाल और पिचकारी भेंट करते हुए उन्हें होली की बधाई दी। मायूस बच्चों के चेहरे खिल उठे। धर्मपुरा के शिवानंद आश्रम में रहने वाले ज्यादातर बच्चे नक्सल पीड़ित हैं और आश्रम की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होने के कारण यहाँ रहने वाले बच्चों को बमुश्किल वक्त का खाना नसीब हो पाता है। बस्तर आईजी के निर्देश पर पुलिस की टीम सभी बच्चों के लिए रंग गुलाल पिचकारी और मिठाई लेकर आश्रम पहुंची। रंग गुलाल और पिचकारियां देख बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनुविभागीय पुलिस अधिकारी युलेंडन यार्क ने बच्चों के साथ बैठकर होली के गीत गाए तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। बच्चे खुश होकर पुलिस की टीम के साथ गीत गाने लगे। होली के त्यौहार की खुशी बस्तर पुलिस ने आश्रम के बच्चों को देने के साथ ही पुलिस की टीम ने हर महीने आश्रम को राशन की मदद देने का आश्वासन दिया है। जिला बस्तर रेंज के आईजी महोदय श्री विगन सिन्हा सर के निर्देशन पर हमें एक टास्क मिला था कि आसपास जो हैं कुछ क्षेत्र हैं उनका थोड़ा सा एक भ्रमण करना है और देखना है कि जहाँ पे भी पुलिस सहायता कर सकती है, मानवीय सहायता और जो अपना जो पुलिसिंग का जो मानवीय पक्ष है तो उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ आसपास देख रहे थे। इसी बीच में मुझे इस क्षेत्र का इस आश्रम का ज्ञान हुआ कि शिवानंद आश्रम करके है, तो मैं पिछले लगभग 15 दिन पूर्व ही आया था यहाँ। उस समय इसकी स्थिति बहुत जर्जर थी, अभी भी लगभग वही स्थिति है। और उसके पश्चात हमें ज्ञात हुआ कि लगभग यहाँ 45 से 50 बच्चे अभी वर्तमान में हैं और प्रतिवर्ष लगभग 100 से अधिक बच्चे यहाँ रहते हैं। और जो स्वामी जी है यहाँ के केयरटेकर है वही हैं, बच्चे लोग को पढ़ाते भी हैं, स्वयं स्कूल का संचालन कर रहे हैं। बाद में बताया कि यहाँ कुछ दिक्कतें हो रही हैं, खासकर इनके जो खाने पीने के संदर्भ में, इनके शिक्षा के संदर्भ में और अन्य जो बेसिक इम्यूनिटीज़ के संदर्भ में। तो हमने हमारे आईजी साहब के उसके गाइडेंस में और हमारे एसपी साहब के गाइडेंस में एक बीड़ा उठाया है, छोटा सा काम कर रहे हैं और हम अपने बच्चों के इनसे मिलते रहते हैं, हमारे बच्चे के बराबर हैं। और आज होली के ठीक पूर्व संध्या में हम आए हैं इनके बीच में होली जो मनाने के लिए, उनको होली के सामान और कुछ खाने पीने के सामान हैं। साथ में हम इस महीने से शुरू कर रहे हैं कि लगभग 200 क्विंटल चावल हमारे तरफ से पुलिस परिवार के तरफ से और 100 किलो दाल जो है हर माह इनके पास आता रहेगा ताकि उनको कम से कम खाने पीने की तकलीफ ना हो और आगे पढ़ाई, उनके अन्य रखरखाव संबंधी हर चीज़ों के संदर्भ में धीरे धीरे जो है प्रयास बढ़ता रहेगा। रिपोर्ट News 29 इंडिया। आज समाजवादी पार्टी के संरक्षण और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अपने गांव सैफई में होली का त्यौहार अपने परिवार के लोगों के साथ बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस होली के त्यौहार में मुलायम सिंह यादव के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी रहे, जहां सभी ने एक साथ मिलकर होली का त्यौहार मनाया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आज अपने गांव सैफई पहुंचे, जहां अपने परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। मुलायम ने मंच से जनता से अपील की कि अब हमारी उम्र हो गई है, अब हम पार्टी को अच्छी तरह से नहीं देख सकते, आपको इन लोकसभा चुनाव को देखना होगा और चुनाव में अच्छी तरह से मेहनत करके पार्टी को जिताना होगा। इसी के साथ अपने कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं भी दी। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए News 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।